रुकिए, कहीं आप ठंडा पानी तो नहीं पीते? आप कहेंगे गर्मियों में ठंडा पानी कौन नहीं पीता, तो आप मुझे बताइए बीमार कौन नहीं है। हर कोई व्यक्ति बीमारियों से परेशान है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये ठंडा पानी आपकी बीमारियों की वजह हो सकता है? आज अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो इसके पीछे का कारण भी आपका ठंडा पानी हो सकता है। आपको सुनकर थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन इस वीडियो को देखते रहें, आप ये समझ जाएंगे कि किस तरह से ठंडा पानी पीकर आप अपने शरीर को खराब कर रहे हैं, किस तरह से ठंडा पानी पीकर आप अपने अदर बॉडी पार्ट्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी मेमोरी को वीक कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन को कम कर अपने बालों का झड़ना बढ़ा रहे हैं। इस वीडियो को देखने से आप ये समझ पाएंगे कि ठंडा पानी पीने से हमारे शरीर में आखिर होता क्या है, ऐसे क्या चेंजेस आते हैं और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो ठंडा पानी पीने से लगती हैं। तो आइए समय ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप वो समय याद करो जब आप ठंडा पानी पीते हैं। जैसे ही आप ठंडा पानी पीते हैं, आपको एक रिलैक्सेशन महसूस होती है, आपको लगता है ये रिलैक्सेशन है, लेकिन दोस्तों ये रिलैक्सेशन नहीं, ब्लड सर्कुलेशन का कम होना है। जैसे ही आप ठंडा पानी पीते हैं, आपके पूरे ब्लड का सर्कुलेशन आपके पेट में बढ़ जाता है। हमारी बॉडी का एक सामान्य टेम्परेचर होता है, लेकिन जैसे ही आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपका पेट ठंडा हो जाता है। इस ठंडे पेट को गर्म करना जरूरी है, ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है। हमारा शरीर हमारे पेट को गर्म करने के लिए ब्लड का सर्कुलेशन बाकी बॉडी पार्ट से हटाकर हमारे पेट पर ला देता है। अब इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपके अदर बॉडी पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिस कारण से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, और ये एक सीरियस मैटर है। अगर आप हमेशा ठंडा पानी पीते रहेंगे तो आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन कम होता रहेगा, धीरे धीरे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी और आपको आलसपन रहने लगेगा, जिसे आप कभी कभी कमजोरी कह देते हैं, वो कमजोरी आपके ठंडा पानी पीने से ही आती है। अगला सबसे बड़ा जो नुकसान आप ठंडा पानी पीकर करते हैं, वो है आप अपने वजन को बढ़ाते हैं। देखिए, जैसे ही आपने ठंडा पानी पिया तो ये ठंडा पानी जहां कहीं से भी गुजरता है, आपके उस बॉडी पार्ट को ठंडा करता जाता है। जब ये पानी आपके गले से उतरेगा तो आपके गले के अंदर जो थायराइड ग्लैंड्स हैं, उनको ये ठंडा करता है, जिससे थायराइड ग्लैंड की वर्किंग थोड़ी अनस्टेबल हो जाती है। आपको ये पता ही होगा, हमारे गले के अंदर के थायराइड ग्लैंड्स थायराइड का एक हार्मोन रिलीज करते हैं। ये हार्मोन्स हमारे मोटापे को कंट्रोल करता है, या कह लीजिए हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जैसे ही आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपके गले में मौजूद थायराइड ग्लैंड्स अनस्टेबल हो जाते हैं, और इनके हार्मोन्स का सेक्रेशन अनस्टेबल होने के कारण आपका मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, जिससे आपका पेट फूलने लगता है। क्योंकि अगर आपका मेटाबॉलिज्म कम है तो आपका खाया हुआ खाना पचने की जगह पर आपके शरीर के अंदर चर्बी के रूप में जमा होना शुरू हो जाता है, और ये सबसे बड़ा कारण आपके मोटापे का बनता है। इसलिए दोस्तों, कुछ लोगों को आपने ये कहते सुना होगा कि हम लोग खाते तो कम हैं फिर भी मोटे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो खाते तो कम हैं लेकिन पानी में ठंडा ही पानी पीते हैं। अब पानी आपके शरीर को तो लगेगा ही अगर आप ठंडा पानी पियेंगे, तो अगर मोटापे से बचना है तो आपको ठंडा पानी आज ही बंद करना होगा। एक चीज आप और याद कीजिए, जब भी आप ठंडा पानी पीते हैं तो कभी कभी आप ये कहेंगे कि पानी हमारे सिर को चढ़ गया। अब ऐसा कैसे हुआ? जब आपने पानी पिया तो वो तो पेट में जाना चाहिए था, तो आपके सिर में क्यों चढ़ा? दरअसल दोस्तों, जो दिमाग को नसें जाएंगी वो आपके मुंह से होकर ही गुजरती हैं, लेकिन जैसे ही आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपके दिमाग को जाने वाली नसें ठंडी हो जाती हैं। जैसे ही आपने ठंडा पानी पिया तो जो दिमाग की नसें हैं उनके अंदर का ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगता है, और यही कारण है कि आपको महसूस होता है कि पानी आपके सिर को चढ़ गया। लेकिन दोस्तों, अगर आप ठंडा पानी पीना ऐसे ही जारी रखेंगे तो जो ब्लड का सर्कुलेशन आपके दिमाग में हो रहा था वो कम होने लगेगा। इससे आपको मेमोरी लॉस यानी कि आपकी याददाश्त कम हो सकती है, आपको माइग्रेन हो सकता है, सिर दर्द की प्रॉब्लम रह सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपने ठंडा पानी पिया तो जो ब्लड सर्कुलेशन आपके सिर में होना था वो कम हो जाता है। देखिए, जहां कहीं भी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है उसी जगह पर आपको कमजोरी महसूस होती है। ठंडा पानी पीने से एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और वो है लो ब्लड प्रेशर। आज के समय में लो ब्लड प्रेशर से बहुत दुनिया परेशान है, और हमें अक्सर ही लगता है कि लो बीपी के पीछे का कारण बॉडी में खून की कमी है, और इसे पूरा करने के लिए हम लोग आयरन के टैबलेट्स लेना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आयरन की कमी होने से लो ब्लड प्रेशर होता है, ये बात तो सही है, लेकिन ठंडा पानी पीने से भी लो ब्लड प्रेशर होता है। और आजकल ठंडे पानी और सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स का जो इतना ज्यादा यूजेज बढ़ गया है, उससे लो ब्लड प्रेशर होना एक आम समस्या बन गई है। क्योंकि ठंडा पानी पीने से ब्लड का सर्कुलेशन पेट में हो जाता है, जिससे आपके अदर बॉडी पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेशन कम होने के कारण लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम इंसान को झेलनी पड़ती है। और अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तो इससे आपको ढेरों प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि बालों का झड़ना, चेहरे के ऊपर समय से पहले ही झुर्रियां आ जाना। अब अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि शायद मुझे कोई मल्टी विटामिन या मल्टी मिनरल के सप्लीमेंट खाने चाहिए।
लेकिन दोस्तों आपके ठंडा पानी पीने की वजह से भी आपके बाल झड़ते हैं, यहाँ तक कि अगर आप अपने बालों को गर्म पानी से धोते हैं तो भी आपके बाल झड़ते हैं। तो बालों को झड़ने से रोकने के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखें कि ठंडा पानी ना पिएं, और दूसरी बात ये ध्यान रखें कि जब आप नहाएं तो गर्म पानी से ना नहाएं। ठंडा पानी पीने से पेट से जुड़ी हुई समस्याएं जैसे कि गैस, एसिडिटी, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और क्या आपको ये पता है, आयुर्वेद कहता है जिस इंसान को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज है उस इंसान को सब बीमारियां होंगी। यानी कि आपके ठंडा पानी पीने की वजह से जो आपको कॉन्स्टिपेशन होती है वो कॉन्स्टिपेशन आपकी 80 से 100 बीमारियों का कारण बनती है। अब थोड़ा इसे अच्छे से जान लीजिए। जैसे ही आपने ठंडा पानी पिया तो ये पानी आपकी बड़ी आंत को सिकुड़ना शुरू कर देता है, यानी कि आपकी बड़ी आंत का साइज कम होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही किसी इंसान की बड़ी आंत का साइज कम होता है वैसे ही आपके खाने के पचने की जो प्रक्रिया है वो स्लो हो जाती है। खाना आपकी बड़ी आंत में जाकर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिस कारण से वो खाना बड़ा सड़ता रहता है। जब इस सड़े हुए खाने को आपकी बड़ी आंत एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड के अंदर मिला देती है उस समय आपका खून गंदा हो जाता है। खून गंदा होने की वजह से यह कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा करना शुरू कर देता है, जिससे कि समय के साथ साथ आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ सकती है। यही खून की गंदगी आपके हड्डियों में, जोड़ों में जमनी शुरू हो जाती है, जिसे आप यूरिक एसिड कह देते हैं। यही एसिड आपके अर्थराइटिस का बहुत बड़ा कारण बनता है। जब आपका खून गंदा होता है तो ये गंदा खून आपके चेहरे पर पिंपल्स के रूप में गंदगी को बाहर निकालता है, और इसे आप कह देते हैं कि हमें पिंपल्स हो गए हैं। यही खून जब सफाई करने के लिए किडनी काम करती है तो किडनी के अंदर छोटे छोटे स्टोन्स हो जाते हैं, जिसे आप गुर्दे की पथरी कह देते हैं। यानी कि पिया तो आपने सिर्फ ठंडा पानी, लेकिन आपने ढेरों बीमारियां अपने शरीर को लगा दी। कहने का मतलब है सिर्फ ठंडा पानी पीने से आपको 100 तक बीमारियां आती हैं। मेरा तो सिर्फ यही मानना है कि आपको या तो गुनगुना पानी पीना चाहिए या नॉर्मल पानी पीना चाहिए। ज्यादा गर्म पानी पीना भी अच्छा नहीं होता, ना ही ज्यादा गर्म ना ही ज्यादा ठंडा, दोनों चीजें आपके लिए नुकसानदायक हैं। अब आप कहेंगे सर आपने ये तो बता दिया कि ठंडे पानी के नुकसान क्या हैं। अब ऐसा बताइए कि हमें पानी पीना किस तरह से है और कौन सा पानी पीना है, ये चीज जानना भी तो जरूरी है। क्या ना पिए ये तो जान लिया, अब ये भी तो जानिए कि क्या पिए। दोस्तों आपको हमेशा पानी गुनगुना पीना चाहिए। ये बात का ध्यान रखें कि पानी के अलावा अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो वो भी ठंडे पानी की तरह ही आपको नुकसान करती हैं। पानी आपको जब भी पीना है गुनगुना पिए, और पानी को धीरे धीरे सिप सिप करके पिए। इतना धीरे पिए जैसे दूसरे जीव पीते हैं। ये मत कहिए कि हम इंसान हैं, हम तो अपने हिसाब से पिएंगे। हमारे शरीर को कुदरत ने वैसे ही बनाया है जैसे दूसरे जीवों को। दूसरे जीव धीरे धीरे अपनी जीभ से चाटकर पानी पीते हैं। अब आप अपनी जीभ से चाटकर पानी तो नहीं पी सकते, लेकिन आप धीरे धीरे सिप सिप करके तो पी ही सकते हैं। अगर आप ऐसे पानी पीते हैं तो आपके पानी के साथ आपके मुंह की लार भी साथ में पेट में जाती है, और यही लार आपके पेट को स्वस्थ रखने का काम करती है। ये नेचर का एक साइकिल है। आपको पानी धीरे ही पीना है ताकि आपके पानी के साथ आपके मुंह के अंदर की लार आपके पेट में जाए और आपका पेट स्वस्थ रहे। पानी को हमेशा बैठकर पिएं, और अगर आप सुबह खाली पेट उठते ही 2 से 3 गिलास गुनगुने पानी के पीते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। क्या आपको पता है सिर्फ गुनगुना पानी सुबह खाली पेट पी लेने से आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे? आइए थोड़ा इसके बारे में जानिए। सबसे पहले आपका मोटापा कम होगा। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, मोटापा बहुत ज्यादा हो चुका है, तो सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना शुरू कीजिए। गुनगुना पानी पीने से जो आपके गले के थायराइड ग्लैंड्स हैं वो अच्छे से काम करेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ेगा और आपका वजन देखते ही देखते कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा डायबिटीज के मरीजों के लिए गुनगुना पानी पीना बहुत अच्छा है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज अगर सुबह उठकर 4 से 5 गिलास गुनगुना पानी पीते हैं तो 2 से 3 महीने में पुरानी से पुरानी हाई बीपी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अर्थराइटिस यानी कि भयंकर गठिया से बचने के लिए भी गुनगुना पानी बहुत अच्छा होता है। गुनगुना पानी हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको ये डर है कि कहीं आपको हार्ट अटैक ना आ जाए, कहीं आपको ब्लॉकेज ना हो जाए, तो सुबह उठकर गुनगुना पानी पीजिए। जैसे ही आप गुनगुना पानी पिएंगे तो आपका खून साफ होगा। खून साफ होने से खून के अंदर का कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल कम होगा और आपकी आर्टरीज की ब्लॉकेज खत्म हो जाएगी। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं, सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीजिए, इससे आपके चेहरे के पिंपल्स गायब हो जाएंगे। तो देखा दोस्तों, पानी पीने का सही नियम आपको कैसे स्वस्थ रख सकता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, स्वस्थ रहने के लिए ज्यादा पैसे की या ज्यादा समय निकालने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो ये समझने की कि जो डेली रूटीन में हम खाते पीते हैं उसे सही ढंग से कैसे खाएं। अब पानी तो हम सभी पीते ही हैं, क्योंकि पानी के बिना तो जीवन संभव है ही नहीं। बस पानी पीने का सही तरीका जानना जरूरी था। अब आप पी रहे थे ठंडा पानी, आपको पीना है गुनगुना पानी। सिर्फ इतना सा चेंज
आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। दोस्तों ये मत सोचिए कि मुझे तो ठंडा पानी पसंद है, वो खाइए जो शरीर के लिए अच्छा है, वो पीजिए जो शरीर के लिए अच्छा है, सिर्फ टेस्ट के लिए खाना पीना छोड़ दीजिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी गलती हमें बीमारियां लगाती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में इतना ही। आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को जल्दी से विजिट करें और इसके अंदर की दूसरी वीडियोस भी देखें। इसमें हमने ढेर सारी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अपलोड की हैं, जो आपको और आपके परिवार को हमेशा स्वस्थ रख सकती हैं। आप अपने परिवार के लिए कुछ समय निकालिए, इस चैनल को देखिए, अपने परिवार को भी दिखाइए, ताकि आप सभी लोग स्वस्थ रह सकें। आज की वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी ठंडे पानी के नुकसान जान सकें। इस वीडियो को शेयर करना आसान है, फ्री भी है। वीडियो के नीचे एक छोटा सा शेयर का बटन है, उसे दबा दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक के ग्रुप्स में जहां भी आप शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दें, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। ऐसे ही और हेल्थ एपिसोड्स के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।